न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद व पूर्व विधायक अशरफ भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अवैध संपत्ति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो जमीन आप देख रहे हैं, पूरी जमीन 20 बीघे है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2015 में अतीक ने अलग अलग लोगों से इन ज़मीनों को राजमिस्त्री हुबलाल के नाम लिखवा ली थी। तब से ये संपत्ति हुबलाल के पास थी। अतीक गैंग पर कार्रवाई से डरे हुबलाल ने इस ज़मीन के कागजात कमिश्नर रमेश शर्मा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आज एसीपी धूमनगंज के नेतृत्व में पुलिस ने जमीन को कुर कर लिया और जमीन पर नोटिस बोर्ड लगाकर ढोल नगाड़ा पिटवाकर कुरकी मुनादी कराई। प्रयागराज के एयरपोर्ट के पीछे गौसपुर कटोला में ये जमीन बेशकीमती है। अतीक इस जमीन पर एक अलग कॉलोनी बनाकर बेचना चाहता था, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद अतीक की बेनामी संपत्ति खोज गया है और चुन चुन कर अवैध प्रॉपर्टी जब्त किया गया। वहीं इस बड़ी जमीन पर कुर्की की कार्रवाई भी हुई। आज पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश के क्रम में ये जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई है। ये धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है। ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी, जो हुबलाल नाम के व्यक्ति के नाम थी। यह करीब 23,447 वर्ग गज ज़मीन है, जो करीब 5.5 हेक्टेयर है और जिसकी अनुमानित कीमत 12.5 करोड़ रुपए है। ये 16 घाटों में बटी हुई है और ये सबसे बड़ा घाटा है। आज यहाँ पे जब्तीकरण की, इन सभी 16 घाटों में जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। अच्छा सर, आगे क्या कार्रवाई मुनादी भी कराई गई, इसका क्या मतलब होता है? इसमें मुनादी आसपास यहाँ सबको बता दिया गया है कि अब ये सरकार की तरफ से जब्त हो चुकी है। इसमें अब किसी तरह का कब्जा वगैरह कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसके खिलाफ अदरवाइज वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। क्या अतीक अहमद की और भी जमीनों का चिन्हीकरण किया जाए, अवैध और बेनामी है? जी, उसमें पुलिस लगातार कार्य कर रही है और भी हमें संपत्तियों का पता चल रहा है। उसमें जैसे भी होगा हम आपको अवगत करा देंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जैसे जैसे दीपावली का पर्व करीब आ रहा है, ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बाजारों में बढ़ती जा रही है। बात करें चौक क्षेत्र के लोकनाथ एरिया की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण जाम लगा है। चारों तरफ से आवागमन है ई रिक्शों के कारण, जहां लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना ही इनको कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला है, और सबसे बड़ी बात होती है ये जिधर से चाहते हैं उधर से लेकर आते हैं, और जिसके कारण लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और घंटों जाम लगते हैं। कई बार तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है जाम के जाम से, और लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भीषण जाम लगा है, ना ही कोई जाम हटाने वाला है, ना ही कोई इन्हें रोकने वाला है। ई रिक्शों पर किस तरह से लगाम लगेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहीं पर डीसीपी नगर का कार्यालय भी है, उसके बावजूद इन पर किसी तरह का अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम और खुलेआम मनमानी करते हैं, जिसके कारण आम जनता होती परेशान, जिम्मेदार अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मच्छरों के प्रकोप से जहां लोग परेशान हैं, तो ऐसे में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। तो वहीं आज सुभाष चौराहे पर निगम की टीम ने पहुंचकर फॉगिंग कराई है। मौके पर पहुंचे महापौर गणेश केसरवानी व नगर निगम के अधिकारियों ने सुभाष चौराहे फॉगिंग कराई और फोटो खिंचवाई, जिसको लेकर अब कांग्रेस नेता इरशादुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से फोटो खिंचवाई जा रही है और फॉगिंग सुभाष चौराहे पर कराया जाए, पौश इलाके में हाईकोर्ट की आँख में धूल झोंकी जा रही है। जबकि पुराने शहर में भयावह स्थिति है और एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा, ना फॉगिंग हो रही, जिससे लोग काफ़ी त्रस्त हैं। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। उनका प्रकोप बहुत भयंकर हो गया है, आए दिन मरीज मर रहे हैं। कालवन में जाकर देख लीजिए, लोग मरीज की लाइन लगी हुई है, बेटे खाली नहीं है। और नगर निगम अभी तक उदासीन है, खास तौर से पुराने शहर की गलियों में स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि न वहाँ फॉगिंग की व्यवस्था और न ही एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो सिविल लाइन के पास इलाके में हो रहा है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है। और चूंकि ये हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया है, लेकिन नगर निगम हाईकोर्ट को भी बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि आप सोचेंगे, आप कल्पना करेंगे शहर के पुराने शहरों में जाके, तो आपको स्थिति समझ में आएगी कि किस तरीके से डेंगू अपनी पूरी तरीके से शहरों में पंख फैलाए हुआ है और लोगों को मौत को दावत दे रहा है। और जिस तरीके से डॉक्टरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, फिर भी नगर निगम अमकी कुनकर्णी नींद सो रहा है।
उसको जगाया तो जगाया कैसे जाए, इस जगाने के लिए हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया मामला। इरशादुल्ला प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक एसी बस ने लखनऊ से लौट रही प्रयागराज बाइक समेत कई लोग को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम संतोष कुमार यादव, वे चक निरातुल में प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। होमगार्ड समेत कई लोग घायल हुए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश परिवहन की लखनऊ प्रयागराज शताब्दी बस ने टक्कर मारी है, जिसके कारण कई लोग को चोटें आई हैं, जिसमें मौके पर एक की मौत हो गई है। वहीं अब मौके पहुंची पुलिस ने किसी तरह से जाम को खुलवाया और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बता दें, जहां टक्कर मारने से एक की मौके मौत हो गई, वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया है। बता दें, बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिवहन विभाग की बस से एक की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। मामला मेवराबाद चौराहे का है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।